जम्मू भी दिल्ली की राह पर, कई जिलों में मध्य वायु गुणवत्ता की गई तर्ज, लोगों से अभी से एहतियात बरतने की अपील। गांधरबल में आज रेनबो किड स्कूल वूसन कंगन ने अपना वार्षिक दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और हंडवारा पुलिस ने 2020 में भागते हुए कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। बताते चले कि करोड़ रुपए के ड्रग्स स्मगलिंग और टेरर फंडिंग में वह दोषी है और उस पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी रखा था। नेशनल मिल्क डे के अवसर पर अमूल क्लीन फ्यूल रैली का आज किया गया शुभारंभ। इस समारोह में डॉक्टर कुरियन की विरासत का मनाया गया जश्न। जम्मू कश्मीर में सर्दी ने दी दस्तक, तापमान में गिरावट, श्रीनगर में 0.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और अन्य कुछ स्थानों पर बुधवार को सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। दिल्ली से कश्मीर के लिए 26 जनवरी को हो सकती है रेल सेवा की शुरुआत। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से श्रीनगर के लिए इस ट्रेन को करेंगे रवाना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे रवनीत सिंह बिट्टू ने भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का निरीक्षण पर बताया संतोष। 1 लाख अतिरिक्त यात्रियों के लिए नए कोच लगभग तैयार, नवंबर के अंत तक ट्रेनों में हो जाएंगे फिट। महीने के अंत तक रेलवे 1000 नए कोच को अलग अलग ट्रेनों में लगा देगा। तैयार हो रहे डब्बे को देश के अलग अलग हिस्सों से चलने वाली 370 ट्रेनों में लगाया जाएगा। रेलवे की तैयारी अगले 2 सालों में 10,000 नए नॉन एसी कोच देश भर के विभिन्न रूट पर चलने वाली ट्रेनों में लगाने की है। इससे लगभग 8 लाख रेल यात्री प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे।